नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल पर। और आज हम बनाने वाली हैं बनाना मिल्क शेक। तो बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं केले। अब इन केले के छिलकों को हम अलग कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैंने जो केले के छिलके हैं उनको अलग कर लिया है और जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने केले ले लिए हैं। और अब इन केलों को हम बीच में से काट लेंगे। केलों को बीच में से काट लिया है और अब लेंगे हम एक जार, उसमें ये जितने भी केले हैं हम सारे इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। अगर आपके केले थोड़े से कच्चे हैं तो आप चीनी की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 ग्लास दूध। और अब ढक्कन लगाकर हम इसको 2 मिनट तक अच्छे से मिक्सी को चला लेंगे। मिक्सी को हमें अच्छे से 2 मिनट तक चलाना ही है, वरना हमारे जो केले हैं उसके टुकड़े इसमें रह जाएंगे और हमारा जो मिल्क शेक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने मिक्सी को लगभग 2 मिनट तक चलाया था और अब हमारा जो बनाना शेक है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम ग्लास में डाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बनाना शेक है वो बनकर तैयार हो चुका है। ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दीजिए और मिक्सी को कुछ टाइम के लिए और चला लीजिए। तो अब हमारा जो बनाना शेक है वो बनकर तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।